एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द टॉर्क लवर्स। आज हमारे साथ है इंडिया की काफ़ी हॉट सेलिंग कार ऑल्टो। ऑल्टो 800 सीसी वाली वेरिएंट है हमारे साथ आज ये। तो मेरे ब्रदर की कार थी, उन्होंने काफ़ी बढ़िया इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह, न्यू मॉड्स, काफ़ी डिफरेंट से मॉड करवा रखे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कार के बारे में और आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन इसकी सारी। भाई ने काफ़ी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी और लॉयस वगैरह काफ़ी बढ़िया लगा रखे हैं। बाकी आपको ओनर से मिलाते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स वगैरह देंगे इसके बारे में। क्या हाल चाल पास हो गया भाजी? क्या नाम भैया आपका? भाई प्रिंस है। ठीक है, भैया का नाम प्रिंस है और भैया की गाड़ी है ये। तो भैया बताइए आपकी गाड़ी में कौन सा मॉडल है, पहले तो ये बताएं। भैया 2014 मॉडल है। ठीक है, 2014 मॉडल है ये, 800 सीसी में है ना? हाँ जी। ठीक है, भैया ने आगे से डिसेंट मॉडिफिकेशन करवा रखी है। एक तो भैया आपने बता रहे थे जैसे हेडलाइट में LED डलवा रखी ना। तो भैया कौन सा, सॉरी, इसके अंदर कौन सी LED डलवाई आपने? जीवा कंपनी है भाजी। जीवा की? तो भाई उसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ गई आपको? कॉस्टिंग भाई 4500 की। ठीक है, तो रात को रिस्पॉन्स इसका? भाजी बहुत बढ़िया जी, लो बीम हाई बीम पूरी ओके है, जैसे कंपनी की एलईडी उससे बढ़िया है। हां जी भाजी, विद वारंटी है सारा कुछ। ठीक है, चेंज करा सकते हैं विद वारंटी है। कितने साल की वारंटी? भाजी 2 साल की वारंटी है जी। ठीक है, भैया बता रहे थे 2 साल की वारंटी भी है। और बाकी भाई बता रहे थे उन्होंने आगे बार लाइट भी लगवा रखी थी ना आपने? हां जी हां जी। ठीक है, तो वो भाई क्यों रिमूव करवा दी आपने? भैया उसका चालान बहुत होता है। वो बात सही है भाई ने, अगर रिव्यू अपने प्लेट जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, रूल्स वगैरह पूरे फॉलो करते हैं भाई ने, कि प्लेट भी लगवा रहे भाई, बढ़िया बात है। उसका सच्ची में चलान वगैरह काफ़ी, उसकी लाइट बहुत होती है। तो भाई और आगे से मॉडिफिकेशन आगे करेंगे होली होली। ठीक है, जेन्युइन काम किया हुआ है। ठीक है भैया, बता रहे हैं कि जैसे भी और मॉडिफिकेशन भाई ने काफ़ी भाई के प्लान्स वगैरह हैं, जैसे ही भाई अपडेट्स देते रहेंगे आपको हम गाड़ी के और दिखाते रहेंगे। भैया आपकी ID वगैरह इंस्टाग्राम की? भैया आई एम प्रिंस सिरा। ठीक है, आई एम प्रिंस सिरा भैया की ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आगे ये लाइट देख सकता हूँ, फ्लैशर PCR वाली लाइट है भैया। ठीक है, तो भाई इसका भी चलान वगैरह है तो थोड़ा बहुत, वैसे तो फैमिली मुलाजम ही है पर ठीक है, काम से रोकते हैं। ठीक है, मतलब भैया के आपके नोन में है, आपकी फैमिली में ही है भैया की? पुलिस में? पुलिस में ना? हाँ जी हाँ जी, पुलिस में। ठीक है, तो और भैया फ्रेंड से इतनी है? हाँ जी हाँ जी। चलिए अब आपको गाड़ी के मेन जो साइड लुक है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको साइड लुक के बारे में बता रहे थे गाड़ी की। गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हैं फिल्मिंग हुई हुई है, भाई ने थोड़ा सा फिल्मिंग वगैरह कराई है। तो भाई इसका चलान वगैरह तो है पर शौक भी पूरे करने हैं। ठीक है ठीक है, पर 35% है ये होता है, लॉ में लिखा हुआ है कि लिखना चाहिए हर बार। ठीक है, ऐसे कोई चलान नहीं होता। ठीक है भैया, कह रहे 35% है इसका। वैसे कई जगह चलान कर भी देते हैं, अगर आप कहें थोड़ा बहुत तो आपको छोड़ भी देते हैं। बाकी अब ये देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल हो ये देखते हैं, 35% डेंट है। और पीछे जो जाली लगा रखी है तो आपको जेट ब्लैक लग रहा है, जाली वगैरह लगी है पीछे, काफ़ी बढ़िया देखने के लिए। गाड़ी की साइड के लोग काफ़ी नैस होती है, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में भी देखी थी, वरना उसके अंदर भी भाई हमने की थी, वो भी 35% ही थी, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। मैं आपको टेंट के बारे में बता रहा था, देख सकते हैं आप 35% के अंदर फिल्मिंग हो रखी है, आप देख सकते हैं पीछे भी 35 ही है, लेकिन पीछे जाली वगैरह लगी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लगता है, ये आप देख सकते हैं। साइड से काफ़ी बढ़िया लुक्स आ रही है गाड़ी की। मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें जो गाड़ी को काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रही है, जो इसकी मेन अट्रैक्टिव इसको कर रहे हैं, तो ये इसके 15 इंच अलॉय व्हील्स, ये आप देख सकते हैं भाई, अगर मेरा थोड़ा सा नज़दीक आए तो न्यू व्हील्स के अलॉय व्हील्स हैं ये, 15 इंचेस इसकी प्रोफाइल है, 195/50 R15 भाई, लो प्रोफाइल है ना? हाँ जी भैया। ठीक है, ये देख सकते हैं इसकी प्रोफाइल काफ़ी लो है, और मैं नीचे से भी देख सकता हूँ गाड़ी, आई थिंक भाई 6 इंच है ना? हाँ जी 6 इंच भाई ने पीछे से लिफ्ट करवा रखी है गाड़ी। तो और भाई बता रहे थे कि इसके अंदर जो इसकी सस्पेंशन है वो भाई ने बीट की सस्पेंशन इंस्टॉल करवा रखी है ना, तो भाई इसका रीज़न? भैया जो अल्टो की सस्पेंशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं आती। ठीक है, मतलब इससे अलॉय के साथ कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए बीट की रखाई है। तो चलाने में काफ़ी बढ़िया गाड़ी वगैरह? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको? और पीछे से आपने कटवाई वगैरह भी, बंपर वगैरह? हाँ जी भैया, थोड़ा थोड़ा कटवाया, ज़्यादा लोड नहीं करी। दोनों बस से? हाँ जी हाँ जी भाई। ठीक है, आगे से भी बंपर थोड़ा थोड़ा भाई ने कटवाया हुआ, पीछे से भी थोड़ा कटवाया हुआ बंपर। और आप देख ही सकते हैं गाड़ी काफ़ी लिफ्ट हुई है, 6 इंच का भाई बता रहे थे गैप, और इसके अंदर 2 बुश पड़े हैं ना? हाँ जी जी भैया, 2 बुश। ठीक है, इसके लिए गाड़ी थोड़ी सी ऊपर वगैरह टच भी नहीं होते इसके। ये अलॉय वगैरह की आपको कॉस्टिंग कितनी पड़ गई थी इसकी? भैया टायर 20,000 दे पे जाते हैं। ठीक है, 20,000 के टायर से 17-18,000 दे अलॉय पे जाते हैं, 17 और 18,000 के टोटल, मतलब टोटल आपका कितना हो गया? ठीक है, 35 और 40,000 के बीच में भाई का सारा काम हो गया था, भाई कटिंग वगैरह भी सारी और बुश वगैरह भी? ठीक है भाई, और आपने पहले भी बता रहे थे अपने काफी लॉय वगैरह इसके अंदर? पहले मैं 2-3 लॉय चेंज कर चुका हूं। ठीक है, अगर भैया के पास फोटो होगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के अंदर दे दूंगा मैं आपको, आप देख सकेंगे। तो भैया पीछे चलते हैं, पीछे बताते हैं गाड़ी के बारे में। भाई ने गाड़ी जेन्युइन रखी है, पीछे सिर्फ एक जाली भाई ने इंस्टॉल करवा रखी है लुक के लिए, और
पीछे से आप जैसे टायर वगैरह देख सकते हैं इसके काफ़ी ब्रॉड है ऑल्टो के हिसाब से, तो गाड़ी की पीछे से काफ़ी लुक इनहेंस हो रही है। बाकी वही स्टेबिलिटी वगैरह में भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी गाड़ी की, क्योंकि चलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी की चलाई में, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही ऑल्टो के काफ़ी पतले से टायर आते हैं, इसको काफ़ी ब्रॉड और पीछे से वैसे ही बढ़िया लग रही है, स्टेबिलिटी वगैरह भी काफ़ी इंक्रीज हुई, तो भाई पूरे सेटिस्फाइड है ना अलॉय से आप, ठीक है। तो अब गाड़ी का मेन ना म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताते हैं, भाई को म्यूजिक वगैरह का भी काफ़ी शौक है, भाई ने पीछे दो पाइनी सीरीज के पाइनी के चैंपियन सीरीज के दो बूफर लगा रखे हैं। भाई पीछे जो स्पीकर वगैरह ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं भैया, दो पाइनर दे हैं, ठीक है, JBL दे हैं, ठीक है, नहीं भाई JVC ना, ठीक है, दो पाइनियर के हैं और जो दो JVC के इसके अंदर और दो बूफर लगे हैं पीछे, भाई पेटी वगैरह ये सारी कस्टम ही है, हाँ जी, ठीक है भाई। इसका सारा पीछे कितना खर्चा आ गया? 30,000 सिर्फ पीछे पीछे का, हाँ जी। बाकी भी ठीक है, चलो बाकी आपको अंदर से भी दिखाते हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ, आपको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाएंगे इसके म्यूजिक के साथ। जैसा कि आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में बता रहे थे, तो गाड़ी के अंदर पहले आप देख सकते हैं सोनी का काफ़ी बेसिक सा स्टीरियो लगा हुआ है, ये देखने में बेसिक है लेकिन इसकी आउटपुट वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, और भाई ने थोड़ी सी स्टिकरिंग वगैरह करा रखी है यहाँ पर। बाकी इसके अंदर जो डोर स्पीकर है वो तो फ्रंट में आती है, तो इसके अंदर पाइनियर के डोर स्पीकर लगे हुए हैं और JBU के ट्विटर लगे हुए हैं, ये काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं ट्विटर ये, तो भाई को मैं बताना चाहूँ भाई इसके अंदर आपने वो अपने TS20 नहीं ट्राई की है? नहीं भैया वो आजकल असली नहीं आते और उसकी वारंटी भी नहीं आती, ठीक है, हाँ जी। तो वैसे तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, हाँ, बाकी अंदर जैसे आप लाइट देख सकते, और भाई ने इधर डॉलर लगाया हुआ है भाई, हाँ डॉलर, ठीक है। तो भैया सुनाए इसका आउटपुट वगैरह, हाँ जी, सॉन्ग के साथ सिस्टम आपने सोनी लिया, इसका काफ़ी ज़बरदस्त इसकी साउंड क्वालिटी है, बेस वगैरह काफ़ी दूर तक सुनाई देती है इसकी आवाज़ बेस वगैरह सब कुछ। और मैं आपको इसके एम्प वगैरह का बताना भूल गया, इसके अंदर दो भाई V12 के हैं ना इसके अंदर एम्प, ठीक है, V12 के इसके अंदर दो एम्प लगे हुए हैं, एक इस ये देख सकते हैं इधर लगा हुआ है और दूसरा दूसरी सीट उधर ड्राइवर सीट के नीचे लगा हुआ है, बाकी सीट कवर वगैरह तो इसके अंदर नॉर्मल ही है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, इंटीरियर के साथ इसके मैच कर रहे हैं काफ़ी। बहुत बहुत थैंक यू आपने टाइम दिया अपने चैनल के ऊपर हमारे गाड़ी लेके आए, तो भैया ने काफ़ी बढ़िया, मेरे को तो भाई पर्सनली आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया लगी, आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कमेंट सेक्शन में कि गाड़ी का आपको कैसी लगी, तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमको, तो चलिए थैंक यू सो मच।